दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। लूटपाट, छिनतई एवं चाकूबाजी में शामिल 7 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। लूट की स्कूटी वारदात में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल एवं चाकू भी बरामद हुआ। प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक दिल नवाज अहमद ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। चाकूबाजी की घटना हुई थी और एक व्यवसायी के चाकू मारकर स्कूटी लूट ली गई थी। उसी के अनुसंधान के क्रम में कुल अभी तक उस गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिससे हथियार, चाकू इत्यादि बरामद हुए हैं। इसमें से कई का काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें से एक जुवेनाइल, एक सुधारगिरी से भागा हुआ कैदी भी है। बाकी इस गिरोह के आपराधिक इतिहास और अन्य कांडों में संलिप्तता के बिंदु पर जांच की जा रही है। सर, कुछ हाल के दिनों में सर बाइकर्स अपाची जो बहुत चर्चा में शहर में रहा सर, वो भी गिरफ्तार, वो अपाची बरामद हो गई है। पीली अपाची का जो जिक्र हो रहा था वही अपराधी गिरफ्तार हुआ है और उसके गिरोह के अन्य सदस्य पकड़े गए हैं। पहले भी आर्म्स एक्ट और लूट के कांड में जेल जा चुका है और लगभग कई का आपराधिक इतिहास पहले से। मुख्य क्या, ये लोग का मुख्य टारगेट क्या होता था सर? मतलब ये लोग स्टेशन के आसपास रात्रि में जो पैसेंजर उतरते थे उससे भी लूट पाट करते थे। नगर थाने के 2-3 कांडों में इन लोगों के द्वारा पूर्व के कांडों में भी अपनी संलिप्तता बताई गई है। अभी उसके बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। बरामदगी क्या क्या हुआ सर? बरामदगी में मोबाइल हुए थे, 7 देसी कट्टा है, जो चाकू है जो घटना में प्रयुक्त हुए, जो जिसका कन्फेस भी कर रहे हैं कि इसी चाकू से मारे थे। हाल में एक व्यवसायी का स्कूटी लुटा गया था, वो भी बरामद हुआ है। हाँ, वो भी बरामद हो गई। जालसाजी कर महिला के एटीएम से 10,000 रुपए निकालने वाला गुड्डू राय पुलिस की गिरफ्त में आया। जालसाजी की शिकार महिला काजल सिंह ने बहादुरी का परिचय देते हुए गुड्डू राय को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। गुड्डू के 4 साथी भागने में सफल रहे। उक्त घटना दोनार स्थित कैनरा बैंक के एटीएम में घटी। We'll be right back.
चौकसी कर रहा था, इधर से उधर से कर रहा था। मैंने दूसरे एटीएम गई, फिर गई, फिर वो लोग मुझे परेशान कर रहा था, ठीक है। फिर मैं केनरा बैंक के एटीएम में आई, फिर उसके बाद जो है ये लड़का मेरे साथ था, ये जो अभी है, और चार तीन लड़का मेरे पीछे था, ठीक है। ये लोग काफ़ी बहस कर रहा था जो, अरे निकल जाओ, सीसीटीवी फुटेज में आ जाओगे तुम लोग। तो फिर उसने कुछ ऐसे इशारा किया, फिर इसने बात को घुमाया, बोला क्या नहीं नहीं नेटवर्क ना स्लो हो जाएगा तो एटीएम काम कम करेगा, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी ये करने लगा। उसके बाद मेरा काम हो रहा था, उस पर जैसे लिखाया, ठीक है, तो उसने क्या किया उसके बाद अपना पैसा, मतलब हमको काफ़ी परेशान किया, काफ़ी परेशान किया, परेशान किया। तो हम सोचे लड़का लोग है क्या, लोग से मुँह लगा, दूसरे में जाते हैं, दूसरे में जब तक जाते हैं तो उसने फिर पैसा इस पर लिखाया जैसे कि प्लीज वेट, ठीक है। तब तक उसने पैसा निकाल लिया मेरा। मैंने रोड क्रॉस करके फिर गई दूसरे में। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि ये लोग जो है मतलब कैसे पता चला, मेरे पापा फ़ोन किए, मैसेज जाते हैं उनके फ़ोन पे, ठीक है। तो फ़ोन किए जो बेटा आपको हम 5,000 बोले थे, आपने 10,000 निकाले, क्यों निकाले। तो खैर कोई बात, मैंने बोली कोई पैसे नहीं निकाली हूँ मैं। तब खट से मेरा दिमाग गया, ये लोग मुझे उल्लू बनाया, ठीक है। और उल्लू भी ऐसे बनाया कि मैं कैंसिल कर रही थी, वो एंटर पर हाथ डाल रहा था बार बार, ठीक है। और मैं उसको कह रही ऐसे तुम लोग क्यों कर रहे हो। और मैं खुद हॉस्पिटल, मेरी मम्मी थी, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं अकेले वहाँ पे सारे कुछ कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बिजी रहते हैं। बस कैसे पकड़े आप उसको? नहीं, उसको मैं ऐसे पकड़ी क्योंकि मैं उस लड़का, तो ये बांध रखा था रुमाल, ठीक है। तो उसका जो ये हाथ है ना, ये अंगूठा, उसको ये जो है थोड़ा ऐसा है, अजीब टाइप का है, ठीक है। तो उसने, मैंने जो ऐसे की, उसने बोला हटो मैं कर देती हूँ कैंसिल, मुझे करना है, ठीक है। तो मैंने जब आई ना पकड़ने, तो मैंने उसका अंगूठा देखा, मैंने बोला तुम ही मुझे तब से बुखला रहा था, ठीक है, कहाँ गया। वो तीनों बैठा था और ये जो सीढ़ी नीचे करके, नीचे उतर के, ये भी गाड़ी के साथ बैठने वाला था या इसका कोई और गाड़ी था, मैं इतना नहीं जानती। तब इसको मैं जल्दी से पकड़ी, बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं किया, वो भग गया लेके, ठीक है, वो भगा पैसे लेके, वो भगा पैसे लेके। मैं तो काफ़ी नर्वस हो गई, मैंने उन लड़कों को भी मतलब नहीं गाड़ी का नंबर नोट कर पाई, नहीं कुछ कर पाई। तब तक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, ठीक है। और मैंने रोड क्रॉस करके आई, फिर उसको पकड़ी। क्या नाम हो? काजल सिंह। काय के लिए पैसा निकालने के लिए क्या हुआ? बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए। कौन सा एटीएम में? यूनाइटेड में। क्या हुआ वहाँ? बैलेंस इंक्वायरी किया, काला अक्षर में दिखाई दिया, ये दोनों पाछे था। ये कौन आदमी था दोनों? ये रोहित, ये किस, क्या नाम है इसका? गुड्डू। गुड्डू, अच्छा। गुड्डू पाछे था, इसके बीच में एक और लड़का था। अच्छा। तो उन लड़का को हम ऐसे करके नहीं देखे, मेरा आग जब निकल गए गेट से, तब इनको पूरा पहचान गए, जो भूरा रंग का जूता था, जैकेट पहना हुआ था, और पैशन प्रो गाड़ी से था। अच्छा। उसके बाद ये कहा कि पोछ के लगा, हम ऐसे रखे हुए थे, जस्ट लिया ऐसे किया, और दूसरा एटीएम हमको थमा दिया। हम उस वक्त फिर चेक नहीं किया, हम बोले कि एक बार तो चेक हो ही गया, अब क्या चेक करना। हम वहाँ से चल गए मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के उस बाद हमसे घर से फ़ोन आया कि मैसेज कि पैसा है, विड्रॉल कैश हो गया। उसके बाद हम, कितना पैसा? 32,000 रुपया निकाला। निकालने का किस काम के लिए गए? हम चेक करने के गए, ले गए कि चेक कर लेते हैं, बहन को शादी में गाड़ी कसा कर दे देंगे, अच्छा रहेगा। क्या नाम होता है? हमारा नाम श्याम सुंदर साह हुआ, पिता श्री सीताराम साह हुआ, घर कोकट हुआ। एटीएम से दो महिलाएं जब अपना पैसा निकालने गई थी, तो चार युवक उनका एटीएम बदलने का प्रयास कर रहे थे, उसमें से महिला की तत्परता से एक हल्ला किया गया, एक एटीएम फ्रॉड को पकड़ा गया है, बाकी तीन फरार हो गए, अभी उसके सिलसिले में जांच करता है। विकास की बाट जो रहे, बहादुरपुर के गुसलावर गांव में बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। 2018 में पहली बार चार छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा देगी, अभी तक एक भी व्यक्ति आठवीं पास नहीं कर सका है, देखिए विस्तृत रिपोर्ट में। दरभंगा जिला मुख्यालय के निकटतम बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित गौसलावर गाँव में आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी एक भी मैट्रिक पास लोग नहीं हैं। इस प्रकार के आंकड़े जिले से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में और भी हो सकती है, मगर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से सटे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौसलावर गांव में एक भी मैट्रिक पास का नहीं होना सिस्टम, सरकार, प्रशासन, राजनेता और बुद्धिजीवियों को हैरान कर देने वाली तस्वीर है। हैरान कर देने वाली तस्वीर यहाँ तो यह भी है कि इस गांव में किसी भी स्तर का एक भी विद्यालय का नहीं होना, न ही इस गांव में एक भी आंगनवाड़ी केंद्र का यहाँ न होना।
स्वास्थ्य सेवा को देखने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र जैसे किसी भी प्रकार की व्यवस्था का न होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसी बुनियादी सुविधा से महरूम आबादी के 70 साल बाद अगर गौसलवार गांव की चारों बेटी मैट्रिक में पास करती है तो निश्चित तौर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान की मिसाल बनेगी। बुनियादी समस्या समाधान की इंतजार में इस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पक्की सड़क तक नसीब नहीं है। सिस्टम, सरकार, प्रशासन और राजनेताओं के आस में बुनियादी समस्याओं के उद्धार करने वालों के इंतजार के राह देखते इस गांव में जब हमारी टीम मुख्य सड़क को छोड़कर बगीचे के बीचों बीच बने पगडंडी के सहारे जब हमारी टीम पहुंची तो वहां शिक्षा, शिक्षक और शिक्षकों से दूर वहां के बच्चे विद्यालय के बदलते आम के बगीचे में सूखी पत्ते और सूखी टहनी को तोड़कर अपने सिर पर लादकर अपने अपने घर जाते दिखे। गांव की औरत भी अपनी दिनचर्या बकरी चराना, घास काटना, जलावन चुनना एवं मजदूरी करने में लीन दिखी। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि हर चुनाव में नेताजी वादा कर वोट तो लेने आते हैं मगर चुनाव के बाद कभी दर्शन देने गांव नहीं आते हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को गाँव में? यह दिक्कत है, पढ़ने यार के बच्चा के नहीं है, स्कूल नहीं है, साला के आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं ना है तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? जा जाता है नमलगर उस्मा हाँ। क्या करता है? स्कूल नहीं जाता है तो ये लोग क्या करता है सारा दिन? सारा दिन जरना पता चुनता है, कथी करते है तो? आप लोगों को सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है वो मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए यही समस्या है, रोड तोड़ को देखबे करते हैं, स्कूल तिस्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी यार नहीं है, धियापुता भटक रहा है। जो लोग पार्टी पोटलिस वाला सब है वोट लेने आता है तो कहता है कि ये चीज बना दे वो चीज बना दे, बनेबे नहीं करत बुझलिए, जा तक गेले रहत। आ गाँव में सब मूर्ख है, कोई बुझे नहीं है, पढ़ल लिखल सब नहीं है, बुझलिए यही सब के समस्या है और कुछ के नहीं। स्कूल गाँव में नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप लोगों को सरकार के द्वारा जो सुविधा मिलती है जैसे अभी गैस कनेक्शन मिल रहा है वो क्या आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, हम लोग के राशन कार्ड है भी नहीं है, किसी लोग को है खाने वाला के रहता है तो वो बेचता है, जो लोग को गरीब लोग के है भी नहीं है, हम लोग के है भी नहीं है राशन कार्ड से हम लोग को गैस सिलेंडर भेटेगा। गाँव के कुछ ग्रामीणों को देख कर जब गौसलवार गाँव के इन मूलभूत समस्याओं के संबंध में पूछा गया तो इनकी जवान सुनकर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आया। ग्रामीणों के मुताबिक जिला मुख्यालय से बहेरी प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से महज कुछ ही दूरी पर स्थित गौसलवार गांव से 100% मलाह जाति के लोग रहते हैं, जिसमें पुरुषों का काम मछली पालन तथा मजदूरी से जुड़ा रोजगार है। एक महिलाएं पति के काम के हाथ बटाने के बाद भी अपनी खुद की दिनचर्या में लीन रहती है। लगभग 1200 की आबादी वाले इस गांव में पहले भी लोक शिक्षण केंद्र के नाम पर एक विद्यालय भी नसीब हुआ था मगर जमीन अभाव के कारण यह विद्यालय भी वर्तमान में गांव के अलग मध्य विद्यालय रामनगर में स्थानांतरित व संचालित है। लोगों से पूछने पर पता चला कि गांव का इतिहास रचने वाले ये चारों बेटी भी पूर्व में कुछ समय के लिए यहां संचालित लोक शिक्षण केंद्र में ही स्टूडेंट थी। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं घोसलावर में रहती हूं। अपने गांव से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 10वां परीक्षा दिया है। मैं हम चार लोग हैं जो 10वां के परीक्षा पर बैठे हैं। ये हमारे गांव के और परिवार के लिए गर्व की बात है। इससे पहले कोई आपके गांव में मैट्रिक पास है? नहीं। तो कितना गर्व महसूस कर रही हो तुम? बहुत ज्यादा। गांव के ही देवन सहनी से जब हमने गांव की समस्या पर बात की तो उन्होंने गांव की बदहाली की किस्सा सुनाते हुए कहा कि यहां कुछ भी नहीं है, पर इस वर्ष हम लोग खुश इसलिए हैं कि इस गांव का कोई बेटा भले ही 8वीं कक्षा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया मगर इस बार गांव के ही विश्वनाथ सहनी की बेटी
कविता कुमारी, बिंदेश्वर सहनी की बेटी पूजा कुमारी, कन्हैया सहनी की बेटी नेहा कुमारी तथा कुशेश्वर सहनी की बेटी गीता कुमारी अगले वर्ष 2018 में मैट्रिक की परीक्षा में बैठेगी, जो हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि गांव में इतिहास में पहली बार कोई लड़का या लड़की मैट्रिक के परीक्षा में बैठेगी। आज़ादी के बाद आज तक एक भी आदमी मैट्रिक पास हमने गांव में नहीं देखे। आज पहली बार है जो हमारे गांव से चार लड़कियां आनंदपुर में मैट्रिक की पढ़ाई पढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़की गांव का नाम रोशन करे। कितनी खुशी होती है इस चीज़ को देखकर? बहुत खुशी होगी कि हम तो खुशी से कहां तक बतावे, जो कि अगर हमारे जीते जी अगर ये लोग परीक्षा दे देती है, पास कर लेती है, तो इससे बड़का खुशी हमें और कुछ नहीं। जहाँ तक सरकारी सुविधा की बात है तो नए गांव में विद्यालय है, अगर विद्यालय भी सरकार स्थापना किए तो भवनहीन के कारण अभी दूसरे विद्यालय में कन्वर्ट है, ना आंगनबाड़ी केंद्र है। हमारे गांव का बच्चा अभी आंगनबाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा है, मिर्जापुर में है, और न रोड है, न नाला है, न कोई चीज़, बहुत सारे पूरे विकास से हम लोग वंचित है। बिजली 2011 ईस्वी में एक बिजली के सिवा और कोई चीज़ हमको अभी तक कोई सुविधा गांव में नहीं उपलब्ध हुआ है। स्कूल के हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि हमारे गांव में ज़मीन उपलब्ध करके विद्यालय गांव में बनना चाहिए। यहां से बहुत दूर दूर बच्चा को जाना पड़ता है, आरा खत्ता गाछी बिरछी टपते टुपते गड्ढा है, गुड्ढी है, बरसात हो जा रहा हो किसी समय रोड पकड़ना पड़ता है, रोड पर जान मान के खतरा की भी डर है। वहीं जब हमने विकास की किरणों से दूर गौसलावर गांव की बात बहादुरपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी अविनाश कुमार से बात की तो उन्होंने गांव की बदहाली की बात स्वीकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत गांव को मूलभूत सुविधा से लैस करना है और गौसलवार गांव का नाम भी उस सूची में है। वर्तमान में उस गांव में जो सड़क की समस्या है उसके समाधान के लिए काम किया जा रहा है और बहुत जल्द ही सरकार के मानकों पर गांव खरा उतरेगा। वो ठीक है, जब सब लोग एक तरह से मीडिया अगर उसको आगे बढ़ाएगा तो उसको हमको देवेन बारे जी उस समय बताए नहीं, रिलीज हुआ तो हमको नहीं पता कहाँ बताया। एक फोटो दरभंगा में आग लगाने का काम किया। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में बहादुरपुर देखुली पंचायत है, उसमें एक गोसलावर गांव है। वहाँ एक्चुअली वो गांव मेन जो मुख्य मार्ग है उससे 1-2 किलोमीटर अंदर जा कर के है और उस बीच में एक ये है गाछी है, जिस गाछी को होकर के वो रास्ता जाता है। चूँकि वो गाछी रैयती था तो इसलिए वहाँ संपर्क पथ अभी तक बन नहीं पाया, लेकिन अभी उसमें जो भी उस गाछी में रैयत वगैरह हैं उन लोगों ने आपसी सहमति दे दी है और वो फाइल अभी हमारे अंचल कार्यालय में आ गई, जिसे हम लोग अभी डीसीएलआर सर के यहाँ भेजने वाले हैं और जैसे ही वो अधिग्रहण का मामला वहाँ बन जाता है, क्लियर हो जाता है, तो फिर हम लोग पंचायत में, चूँकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में गली नाली का कार्य करना है, तो हम लोग और ये वार्ड चयनित भी है तो हम लोग इस वार्ड में गली नाली का कार्य शुरू करवाएंगे एक बार अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो। जहाँ तक विकास की बात है तो चूँकि वो टोला है, एक टोला है जो मुख्य सड़क से काफ़ी अंदर जाके बसा हुआ था, तो वहाँ फिलहाल आंगनबाड़ी का चयन वहाँ नहीं है। आंगनबाड़ी का चयन के लिए जो भी मानक है वो मानक पर CDPO महोदय अपना रिपोर्ट आगे भेजेंगी और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी अब चूँकि पंचायत में या प्रखंड किसी भी मद से हम लोग कराए, लेकिन जब तक वहाँ चयन नहीं हो जाता है सभी का तब तक हम लोग वहाँ कोई कार्य स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले चयन हो जाए और हम लोग विभाग को भी लिख के दिए हैं, मनरेगा के थ्रू भी अभी एक योजना आया है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी का निर्माण वहाँ कराएँ। स्कूल के बारे में वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर देखुली मध्य विद्यालय देखुली है जहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि अब ये निश्चय है माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय में शिक्षा का भी एक निश्चय है, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे और हमने वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वार्ड मेंबर हैं और माननीय मुखिया जी, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया था और उन्हें
कहा है कि ग्राम सभा, वार्ड सभा और पंचायत होते हुए जो पंचायत समिति की बैठक है, इन सबों में पारित कराने का ये लोग प्रपोजल दे। अगली बैठक जो भी होगी उसमें यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे वो पारित हो जाए, ताकि हम लोग आगे जिला परिषद की बैठक के लिए उसको भेजे, जहाँ से वो प्रॉपर चैनल के थ्रू शिक्षा विभाग को जा सके। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक के दौरान दरभंगा डीएम चंद्रशेखर सिंह ने लोक शिकायत निवारण, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना, आरटीपीएस से जुड़े मामले एवं एलपीसी तथा म्यूटेशन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा म्यूटेशन को जल्द ऑनलाइन करने हेतु कड़ी हिदायत दी। दैनिक भत्ते पर 2 साल से अधिक सेवा देने वाले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के संवाहक एवं चालक का भविष्य अंधकार में हो गया है। 88 चालक एवं संवाहकों को प्रतिष्ठान अधीक्षक ने आश्वासन दिया था कि सभी लोगों की सेवा नियमित की जाएगी, लेकिन अचानक इन लोगों की छटनी कर दी गई। नतीजतन 1 दिसंबर से ये लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। साथ अन्याय किया गया है। 2015 में एडवर्टाइज निकाला गया प्रशासन प्रमुख के द्वारा, जिस आधार पे हम लोग अप्लाई किए, हम लोग को कमेटी बैठा के बहाली किया गया और 2 साल के बाद कहा गया जो अब नहीं रखेंगे। नहीं रखने के मतलब है जो हम 100-150 कर्मचारी हैं, सबका बाल बच्चा बिलख जाएगा, कहाँ जाएगा। रोड पे आ गए, रोड पे आ गए हैं। हम लोग कम रुपया में काम किए हैं, ताकि मात्र 247 रुपया है हमारी मजदूरी रहने के बावजूद भी मैंने उनका जो फीलिंग था वो हम लोग पूरा किए। उसके बाद आज तक हम लोग करते आ रहे हैं, उसके बावजूद अब कहा जा रहा है जो निशांत में चले जाइए, और जबकि निशांत का हर कुछ जो है दिखने में फर्जी लग रहा है। जैसे ये लोग कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग उसमें गए हैं, भरे हैं। किस आधार पे आप लोग की बहाली हुई थी? हम लोग के बहाली दैनिक मजदूर में हुई थी। कितने आप लोग हैं कर्मचारी? हम लोग लगभग 150 कर्मचारी हैं। किस पद पे हैं? कुछ चालक है, कुछ संवाहक है, संवाहक भी है, ड्राइवर भी है, क्लीनर भी है। आगे क्या करेंगे, आगे का किस तरह का आंदोलन? अगर ट्रांसपोर्ट हम लोग को 1 तारीख के अंदर कुछ निर्णय नहीं देती है तो हम लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं और अनशन करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। यही हम लोग का जो है, हमें क्या नाम है? मुकेश कुमार राय। लोगों ने हमको सूचना दिया है, यहाँ कुछ साथी लोग हैं और परिवहन निगम में जिस तरह की मनमानी हो रही है, पहली बार जिस तरह से पहली बहाली बनता है जो डेली वेजिस पर जो काम कर रहे हैं, चाहे कंडक्टर हों चाहे ड्राइवर हों, जिस तरह से इस तरह का मनमानी तरह का तरीके से हटाया गया है, ये अन्याय है। और इसके खिलाफ भाकपा माले के लोग, हमारा जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैक्टू है या अखिल भारतीय कामगार यूनियन है, वो तमाम लोग इनके साथ खड़ा होंगे और इस अन्याय के खिलाफ जहाँ तक जिस लड़ाई को हम लोगों को ले जाना पड़ेगा, हम लोग इनके साथ लड़ाई में रहेंगे। और ये बात हम कहना चाहते हैं, ये जो अन्याय हो रहा है, पहली बार लगातार इस जिला प्रशासन के स्तर पर मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। डेली जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह, चाहे MTNL में हो, ट्रांसपोर्ट में हो या विश्वविद्यालय में हो, डेली वेजेस पर सालों साल लोग काम कर रहे हैं और जब परमानेंट बहाली की बात होती है तो इन लोगों को छाट दिया जाता है, इनकी छटनी कर दी जाती है।
तो ये जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ निश्चित रूप से यह अन्याय किया गया है। हम जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं, जिला प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और ट्रांसपोर्ट निगम को ये आदेश दे कि इन लोगों को तत्काल समय से इन लोगों को बहाल किया जाए, इनको काम दिया जाए और इसको इनके जो परमानेंट होने की, जो स्थायी होने की जो प्रक्रिया है उसमें इन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए। दरभंगा सदर अंचल के अंतर्गत लगान जमा करने के लिए सुंदरपुर छठी पोखर निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड नंबर 2 की निगम पार्षद जयंती देवी का कहना है कि हल्का नंबर 6 के लिए स्थापित लगान वसूली कार्यालय कभी कभार खुलता है और हल्का कर्मचारी नाजायज राशि की मांग करते हैं। रसीद कटाने के लिए सर आते हैं तो यहाँ बंद रहता है, आप फोन करते तो फोन नहीं उठाता है। कहाँ पर आते रसीद कटाने के लिए? ये हल्का कर्मचारी हल्का पर जैसे आते हैं सर। कौन जगह पर चंद्रपुर छठी पोखर पर आते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? किशोरी दास। कहाँ घर हुआ? घर यही बीरा जी। समस्या यह है सर, हल्का नंबर 6 पर मार दिया कर्मचारी को, मार दिया बुलवाइए कर्मचारी को, कर्मचारी साहब मिलते नहीं है, हम बार बार आते हैं, कर्मचारी साहब नहीं आते हैं, मोबाइल करते हैं तो मोबाइल बंद रहता है, तरह तरह का मतलब बात है जो वापस चले जाते हैं और बहुत तरह की परेशानी होती है, बहुत सारे आदमी वापस जाते हैं और दरवाज़ा भी उनका हल्का नंबर 6 का दरवाज़ा भी बंद रहता है, हम लोग बैठ उठ करके चले जाते हैं। अब से बंद है? करीब 6 महीने से बंद है। करीब करीब 1 महीना से तो हम दौड़ रहे हैं, आज के पहले आर्मी पब्लिक करते रहेंगे उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तैयब। देखिए 1 महीना से पब्लिक लोग यहाँ से कचहरी पर वापस चला जाता है, घूर घूर के चला जाता है, वृद्ध है, विकलांग है, कर्मचारी के यहाँ 4-5 गो जो है से मुंशी रखता है कर्मचारी या मुंशी सब जो है से सबको जो है टहलाते रहता है पूरा, और 1 महीना से कटाने के लिए रसीद आता है घुमा देता है, दाखिल खारिज नहीं होता है, ताला लगल रहता है पूरा कचहरी। क्या कर्मचारी का मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट किए थे? 10-15 बार हर दिन करते हैं लेकिन मोबाइल बंद रहता है, उठे भी नहीं करता बंद रहता है, तो किससे बात किया जाए? क्या नाम है आपका? राजगीर राम, रानीपुर। कौन जगह यह है? ये छठी पोकरा सुंदरपुर है। हल्का नंबर 6 है। कर्मचारी का क्या नाम है? कर्मचारी विनय कुमार ठाकुर। हम रसीद कटवाने के लिए अभी तक 7-8 बार आ चुके हैं और एक भी दिन ये मतलब उपस्थिति इनकी नहीं रही है, कठिनाई होती है आने जाने में। मोबाइल नंबर दिया उनसे कांटेक्ट आप किया? नहीं, एक दिन हम किए थे। क्या बोले? रिसीव भी नहीं किए, बोले क्या। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार मिश्रा। कहाँ से है? बेलादुल्ला। क्या कारण क्या है? कर्मचारी साहब जो है एक तो नया है, आए जो आए थे तो 1 सप्ताह जो है ठीक ढंग से खोले बैठे उठे में समय के अनुसार, उसके बाद फिर पहले कर्मचारी जो थे उन्हीं की तरह इनका हाल हो गया, हल्का नंबर 6 है और पूरा इनका जो है कार्यालय भी ध्वस्त है, किस टाइम में शाम में आते हैं किस टाइम में आते ही नहीं है, और इनका जो है रसीद काटना है, रसीद का गवर्नमेंट का रूल है 200-300 रुपया, इनके जो 1000-2000 ऐसे करके लिया जाता है, और मालगुजारी में ही रसीद का पैसा लगता है, न कि इनका एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, उनमें भी 10,000-20,000-25,000 कोई गरीब आदमी आता है और लाचारों करके जो है यहाँ से मुड़ जाता है, और बेसहारा आदमी आता है इनके पैसे के कारण रसीद नहीं कट पाता है, और कभी कभी वो हल्ला भी करता है भाई दीबे तो मुंशी के द्वारा जो गलत कुछ काज में करवा दिया जाता है उनको दोहराया जाता है, और पूरा यहाँ का जनता जो है बहुत हमेशा परेशान दुखी रहता है इनसे जो है, जो समय भी लिख दिया सोम मंगल बुध का उनके अनुकूल भी समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं। मोबाइल नंबर दिया उसे कॉन्टेक्ट करने पर मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट पर रिसीव नहीं करते मोबाइल नंबर पर।
क्या नाम है कर्मचारी का? विनय कुमार ठाकुर इनका इनका नाम है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भगवान लाल ठाकुर हुआ। हम तो वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि हुए। हम इनसे दुखी है, इनका कर्मचारी का हल्का नंबर 6 का है, स्थिति देख लिया जाए, इनको कोई चीज मतलब नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस कड़ी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की अहम बैठक मंगलवार को केंद्रीय पुस्तकालय में होगी। उक्त जानकारी MSU के विश्वविद्यालय सचिव जयप्रकाश झा ने दी। मेरी नाम चांदनी कुमारी हुई। मेरा रिजल्ट पेंटिंग में कर दिए पार्ट वन में, जो हम लोग 2 महीना यहाँ यूनिवर्सिटी में आए सुधार करवाने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई कार्यालय के सर नहीं सुधार किए और अभी तक नहीं सुधार हुआ है। फिर पार्ट टू का फॉर्म भरे, उसमें क्या हुआ तो सेंटर कोड और सेंटर नेम और कॉलेज नेम में गलती कर दी है। हम लोग JMTPL के छात्रा हैं और DNY कर दिए है, RK कॉलेज कर दिए है, और हम लोग को सेंटर होना चाहिए RK कॉलेज, तो DNY में कर दिए है। तो अभी आप कहाँ हैं? जहाँ हमने जाकर एग्जाम दिए, अभी हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी इंडियन में आए हैं। आप अभी किनके पास एप्लीकेशन लेके आए? मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पास एप्लीकेशन जमा करने के लिए आए हैं। क्या आपको लगता है इनके द्वारा समाधान आपका हो जाएगा? जी। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। कहाँ से हैं? मधुबनी से। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, लोना रोड उजान से है, दरभंगा जिला से। हम 2 साल से यहाँ आ रहे हैं। मेरा 2012 से 15 सेशन था BA का उर्दू ऑनर्स विषय से, लेकिन हम 2 साल से परेशान हो गए, थक हार गए, यहाँ के प्रशासन से तबाह आ गए, बेइज्जत हो गए हुए हैं कि हमारा अभी तक मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला। अब डिस्टेंस LNMU से हैं। अब वहाँ पे मेरा फॉर्म भी खो चुका हुआ है। अब दो महीना प्यार है, अपना फ़ोन नंबर दिया था कि यहाँ जब भी आइएगा फ़ोन करके आइएगा। रात में मेरी बातचीत हुई है कि आप आइए, आपका ढूंढ के दे देंगे, लेकिन अभी पहुँचने पे कह रहे हैं कि अब आप एफिडेविट बना करके आइए, उसके बाद में आपका मूल प्रमाण पत्र देंगे, वो भी अब आप जनवरी के बाद आइए, फरवरी में। तो फिर आगे क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? अब यहाँ से तो मेरा विश्वास उठ गया है। अब हम यहाँ छात्र अदालत में आए हुए हैं, यहाँ से मेरा जो भी निराकरण होगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तहत ही अब हम कोई काम कराना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान हो गया। कहाँ से हैं? उजान लोना रोड दरभंगा से। देखिए, छात्र अदालत निरंतर हम लोग 3 महीने से यहाँ पे लगाते आ रहे हैं। हर एक सोमवार को सप्ताह में जब सोमवार आता है तो छात्रों के बीच एक कह सकते हैं आपके छात्रों के बीच एक खुशी का माहौल होता है कि चलो भाई आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन का छात्र अदालत है, और जिसमें जा करके हम अपनी समस्याओं को रखेंगे, और वहां से लोगों को उम्मीद होती है छात्रों को कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पास अगर अपनी समस्या को हम रखते हैं तो वहां से समाधान होने का संभावना दिखाई पड़ता है। बताते चले कि आज जैसे बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, बेनीपट्टी हो, जयनगर हो, जहाँ तक के छात्र यहाँ पे आते हैं, सारी समस्या से थक हार करके, जब प्रशासनिक चक्कर काट करके थक जाते हैं, तो मिसू के मिथिला स्टूडेंट यूनियन सेनानी के पास आते हैं, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन की पूरी टीम, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे विश्वविद्यालय टीम की हो या जिला टीम हो, पूरी टीम उसे हर तरह से सॉर्ट आउट करने की, उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करती है। और ये छात्र अदालत एक माध्यम है, एक जानकारी जो हमारे न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो हम लोगों को मिली है, हम सभी छात्र एवं छात्राओं से, चाहे वो बेगूसराय के हो, चाहे बेनीपट्टी के हो, चाहे जयनगर के हो, चाहे बेनीपुर के हो, सभी छात्राओं से ये हम निवेदन करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि अगर सब कुछ सामान्य रहा और छात्र संघ का चुनाव अगर मिथिला स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी में हुआ तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन का सपोर्ट करें, और आगे जैसे जिस तरह से हम लोग अभी तक आपकी सेवा करते आए हैं, निरंतर आगे भी उसी तरह से सेवा करते आएंगे। धन्यवाद। आज की खबरें हम यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।